सुपर फास्ट ट्रेन की चपेट में आने से महिला व 2 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत। रेल लाइन पार करने के दौरान हुआ हादसा। मजदूरी कर लौट रही सुमन सेन नामक महिला एवं उसकी 2 साल की पुत्री राधा रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय अचानक रेल की चपेट में आने से बच्ची एवं बहना दोनों की मौत हो गई। महिला दतिया में रेलवे स्टेशन के पीछे रहती थी। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मार्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। दतिया रेलवे स्टेशन के पास की घटना। दतिया से एसआरबी पर प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एसआरबी बुलेटिन चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली खबरों की सूचना आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नीचे ट्रेन 22 से 4 से 15 के ड्राइवर ने बताया कि एक महिला और के साथ में एक 3 साल की बच्ची रेलवे क्रॉस करते हुए ट्रेन से कट गई। उनको चेक कराया तो उनके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। जीआरपी में राम मजूर पॉइंट्समैन ने आकर सूचना दी कि ऐसी घटना हो गई है, तो मौके पे जाकर अपन ने तत्काल कार्रवाई करी। सबके फोटो और कौन थी ये महिला बता। संजीव सेन, उम्र 28 वर्ष, निवासी बलौनी, हाल निवास रेलवे स्टेशन के पीछे, एवं 3 वर्ष की पुत्री राधा, जिनका घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है। सब पंचनामा कर पीएम कराकर कार्रवाई की जा रही है। और का नाम आदमी ने पकड़ा।